मेरा प्रणाम। मैं अपने पूरे मरियाहों के क्षेत्रवासियों को, जिन्हें मैं अपने परिवार का सदस्य मानती थी, बल्कि यूं कहें कि मैं हक से अपने आप को आपके परिवार का सदस्य मानती थी, चाहे वो बहू के रूप में या बेटी के रूप में या बहन के रूप में, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप लोगों ने 5 साल तक मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इतना स्नेह दिया, इतना सहयोग दिया, हर पल मेरा मार्गदर्शन किया। जहाँ मैं गलतियाँ करती थी वहाँ आप मुझे समझाते थे, मुझे बताते थे कि लीना ये चीज़ ऐसा नहीं, ऐसा करो। जिनकी मैं भाभी के रूप में होती थी वो भी मुझे समझाते थे, हर कोई मुझे बताता था। और जहाँ मैं कुछ अच्छा करती थी तो मुझे बधाइयाँ भी देते थे, मेरी तारीफ भी करते थे। सचमुच इन 5 सालों में मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसे क्षेत्रवासियों को पा करके ये लीना तिवारी सदैव ऋणी रहेगी। मेरे साथ साथ मेरे पति सात्विक को आपने इतना स्नेह और आशीर्वाद दिया कि सात्विक सब कुछ भूल करके वो आप लोगों का होकर के रह गया। जब आप लोग उसको अपना बेटा कहते हैं तो मेरा सीना भी गर्व से फूल जाता है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। ऐसा बच्चा भगवान सबको दे। लेकिन मुझमें शायद कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से हमारी पार्टी अपना दल एस और NDA भाजपा ने मुझे आप लोगों से दूर करने के लिए सोचा। मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, वो जो भी सोचे होंगे वो पार्टी के हित में ही होगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग पार्टी के साथ सदैव रहें। और मैं विशेष रूप से अपनी बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बहन अनुप्रिया पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने 2017 में मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मुझे अपनी पार्टी का एक सदस्य और एक कार्यकर्ता बनाने का सोचा। और फिर मैं मेरे नाम के आगे विधायक शब्द लगा तो मैं हमेशा उनके ऋणी रहूँगी। मैं तो पहले भी कहती थी कि जब तक ये जीवन मेरा रहेगा मैं सदैव अनुप्रिया पटेल जी के साथ रहूँगी। मैंने उनसे भी कहा था कि वो मुझे छोड़ देंगी लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और ऐसा मैं जीवन पर्यंत करूँगी। शायद मुझ में कोई कमी रह गई थी, शायद मेरी सेवा भावना में कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इस लायक नहीं समझा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में मुझसे जो बन सका, जितना बन सका मैं आप लोगों के लिए की। मैं ये समझती हूँ कि आप लोग खुश रहें, आप लोग अच्छे सड़क पर चलें, आप लोगों को हर सुविधा मुहैया हो। 3-3 पुल आप लोगों के लिए मैंने दे दिया, अब आगे चल करके वो बन के तैयार हो जाएगा ये। और जब आप लोग उस रास्ते से गुजरेंगे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी और सबसे बड़ी खुशी होगी। जब उस विवाह भवन में किसी बिटिया की शादी होगी तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। जब वो पुल से होकर के आप गुजरेंगे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। जब नगर पंचायत रामपुर का विकास होगा तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने करवाया है आप लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से। ये मेरे लिए सबसे बड़ा आप लोगों का दिया हुआ प्रसाद होगा।
मैंने ये सोचा था, मैंने घोषणा पत्र भी तैयार करवाया था कि जो मेरे अधूरे कार्य हैं उसको मैं आगामी सत्र में पूरा कर पाऊंगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि आएगा आप लोगों के बीच में, वो भी पूरी मेहनत से अपने सारे कार्यों को करेगा और मेरा साथ और सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा। मैं आप लोगों से ये विनती करूंगी कि इस घर का दरवाजा, इस ये जो आवास, ये आप लोगों का है, इसमें हमेशा आप लोगों का सम्मान होता रहा है और होता रहेगा। और जब भी आपको, आप लोग मुझे किसी भी लायक समझे तो ज़रूर यहाँ आए, मुझसे जो बन सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगी, उसी में मैं अपने आप को धन्य समझूँगी। आपके सुख दुख में मैं सदैव रहूँगी, आप लोग मुझे बुलाए चाहे न बुलाए, क्योंकि मैं लीना तिवारी हमेशा आपकी ही रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया है, इतना मेरा समर्थन किया है, मैंने कभी कहीं जाने का सोचा भी नहीं। आप सभी को पता है मैंने 5 साल आप ही लोगों के बीच में बिताया है, मैं अपने मायके तक कभी नहीं गई इन 5 सालों में, मैं कहीं नहीं गई, सिर्फ आप लोगों के बीच में रहा। इसी दौरान यहाँ मेरे माता पिता भी चल बसे, बहुत कुछ मैंने खोया भी है, लेकिन खुशी इसी बात की थी कि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो बस मैं इतना चाहूँगी, पता नहीं मैं अगली बार आपके बीच में कब आऊँगी कि नहीं आऊँगी, लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगी कि आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे परिवार के साथ रहे, और आप लोग मुझे जो भी मुझसे बन सकेगा मैं आप लोगों के लिए ज़रूर करना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो इन 5 सालों के बीच में, तो हाथ जोड़ के ये लीना तिवारी आपसे क्षमा मांगती है। आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम।